नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, गीतांश टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा गढ़वा पुलिस को सम्मानित करने का लिया गया निर्णय। 24 फरवरी को होगा कार्यक्रम। गढ़वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से आगामी शनिवार को शहर के टंडवा स्थित शगुन बैंकेट हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गढ़वा रंगा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सह सूबे के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर उपस्थित रहेंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में उपायुक्त शेखर जमुआर, एसपी दीपक कुमार पांडे उपस्थित रहेंगे। उक्त बातें चैम्बर अध्यक्ष बबलू पटवा ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता के दौरान कही। बबलू ने बताया कि 13 फरवरी की रात में गढ़ देवी मोड़ स्थित एक जेवर दुकान में डकैती की घटना घटित हुई थी। इस घटना को पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उद्भेदन किया था। पुलिस ने सामान भी बरामद किया था। इसी को देखते हुए चैम्बर द्वारा पुलिस को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। वहीं इस मौके पर महामंत्री कंचन साहू ने कहा कि गढ़वा शहर में इतना बड़ा लूट की घटना हुई थी, जिसमें गढ़वा पुलिस के द्वारा काफी मेहनत करके कम समय में मामले का खुलासा कर दिया गया। इसे ही लेकर के चैम्बर के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें पत्रकारों का भी काफी सहयोग रहा है। इस मौके पर पंचम सोनी, ज्योति प्रकाश केसरी, पूनम चंद कांस्कर, संजय केसरी, मनीष राजकुमार सोनी सहित कई लोग उपस्थित थे। देखिए, गढ़वा के इतिहास में यह पहली घटना है जिसमें सभी लोगों के प्रयास से एक बड़े कांड का उद्भेदन बड़ी आसानी से और कम समय में हुआ। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे जय सोनी जी, जो गढ़वा स्वर्णकार समाज के प्रसिद्ध व्यवसायी हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अस्थायी आजीवन सदस्य भी हैं, अभी के दिन उनके दुकान में लूटपाट की घटना घटी थी। प्रशासन के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए विगत 4 दिनों में ही 100% जो सभी सामान की वापसी और अपराधियों का गिरफ्तारी हुआ, और जिस तन्मयता से प्रशासन ने हमारे व्यवसायियों का सहयोग किया, इस आलोक में गढ़वा जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री बबलू पटवा जी के द्वारा एक सम्मान समारोह किया जा रहा है, जिसमें तमाम जितने भी पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी गण मौजूद उसमें शामिल थे, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस लूटकांड में पहली बार ऐसा देखा गया कि सभी वर्गों ने इसमें संयमित होकर के कार्य किया और पुलिस को पूरा छूट दिया था। जैसा कि व्यवसायियों ने कभी आंदोलन के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने विश्वास किया प्रशासन पर, और उस भरोसे को जिस तरह से व्यवसायियों के द्वारा किया गया, प्रशासन ने 100% उनका विश्वास जीतने का काम किया। हम धन्यवाद देंगे गढ़वा जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से सभी पत्रकार बंधुओं का भी, जिन्होंने इस पूरे खबर को सामान्य खबर के रूप में प्रदर्शित किया, एक सूचना के रूप में दिया, कोई आक्रोश, कोई सनसनी के रूप में नहीं लाया, जिसके कारण न व्यवसायियों में आक्रोश हुआ, न प्रशासन पर कोई दबाव पड़ा। तो इसके लिए मैं गढ़वा चैम्बर की ओर से सभी पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और साथ ही साथ उस शौर्य सम्मान समारोह में जितना कार्य पुलिस प्रशासन का था, उतना ही कार्य हमारे पत्रकार बंधुओं का था। तो इसलिए कार्यक्रम में हम लोग दोनों लोगों को सम्मानित करने का कार्य किया गया अपने गढ़वा जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी प्रतिष्ठित व्यवसायियों की उपस्थिति में। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, स्थानीय विधायक साहब, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, साथ ही साथ जिला उपायुक्त श्री शेखर जमुआर जी और पुलिस अधीक्षक श्री दीपक पांडे जी की उपस्थिति में सभी लोगों को सम्मान दिया जाएगा। और उम्मीद है किसी तरह से सामंजस्य बना कि हम सभी गढ़वा जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रशासन मिलकर के व्यवसायियों की सुरक्षा में आगे कार्य करते रहेंगे। आरोग्य फार्मेसी, खुदरा दवा खाना, पता रंका रोड, हीरो शोरूम के पास गढ़वा। यहाँ सभी तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। सभी दवाइयों पर 15% की छूट दी जाती है, यानी दवाइयों की खरीद पर 15% की कम रेट पर यहाँ दवाइयाँ मिलती हैं। जी हाँ, गढ़वा का एकमात्र दवा दुकान जहाँ मिलता है आपको 15% की छूट। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।